हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम गाइस। मैं आज बात करने वाला हूँ कंपनी आजाद वीजा क्या चीज़ है और कंपनी आजाद वीजा में कैसे आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो कंपनी में और कैसे आजाद वीजा लेकर काम कर सकते हो, क्या चीज़ होता है और कैसे मिल सकता है आप लोगों को। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कोई यहाँ पर दुकान है, जैसे हाउस वर्कर है, हाउस ड्राइवर है, या कोई दुकान है या कोई कपिल है, आप उसके अंडर में काम करते हो, आपको आजाद काम करना है, यानी कि कपिल से छोड़कर आपको आजाद काम करना है, यानी कि आपको जाकर तनाजुल लेना है, यानी खपाला लेना है आपको। तो आपको जब तनाजुल यहाँ पे लेते हो तो कंपनी होती है यहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनी, उनकी यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑफिस हैं, वो क्या करते हैं, पहले उनकी कंपनी होती है, उसके बाद वो अपना लाइसेंस बेच देते हैं दूसरे के हाथ से। और उस लाइसेंस से सामने वाला बंदा क्या करता है, जैसे कतर के अंदर कोई बंदा काम करता है जो भी यहाँ पर, या हाउस वर्कर हो या दुकान में हो या कोई भी कपिल के अंडर में काम करता हो, यानी कि बाहर काम करना चाहता है, तो सामने वाली कंपनी क्या करेगी, उससे तनाजुल ले लेगी, उसके कपिल से तनाजुल ले लेगा, या आप चाहते हो कि हम उस कंपनी जाएं तनाजुल ले ले जाके। तो भाई 2.5 से 3 हज़ार रियाल लगता है, 3.5 हज़ार रियाल भी लगता है, जैसे यहाँ पर आपका बात हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ से आपका जो भी इतफाक होता है उतना पैसा यहाँ पर लग जाता है। जैसे आपसे बात हुई 3 हज़ार, किसी से बात हुई 2.5 हज़ार, किसी से बात हुई 2600 रियाल, इस तरीके से इतफाक होता है, उसके बाद तनाजुल हो जाता है। तो कंपनी वाला क्या करता है, आपको तनाजुल दे देगा, अपने नाम का आईडी बना के दे देगा आपको, उसके बाद आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है और इसी को आजाद वीजा कहते हैं भाई, इसी को यहाँ पर फ्री वीजा कहते हैं। अगर किसी दुकान में काम करते हो या किसी कपिल के अंडर में काम करते हो तो आप सोचते हो कि हम जाकर आजाद वीजा में काम करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई यहाँ ऑफिस, बड़ी बड़ी ऑफिस है, बहुत सारी यहाँ पर ऑफिस हैं, तो आपको जाकर उस ऑफिस में बात करना, इत्तेफाक करना कि हम आपके कंपनी में तनाजुल लेना चाहते हैं। सामने वाली कंपनी बताया कि हम इतना पैसे लूँगा, यानी 2.5 हज़ार रियाल 3 हज़ार रियाल लूँगा, उसके बाद आप मेरे कंपनी में आ सकते हो और मेरे कंपनी के नाम से आपकी आईडी बन जाएगी, आप कहीं पर काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। उसके बाद वो एक आपको पेपर दे देगा बना के, तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। और रही बात जो लोग बाहर कंट्री से आने वाले हैं, वो लोग कैसे आते हैं, जैसे कोई इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो लोग आने वाले हैं, जो लोग आना चाहते हैं कतर के अंदर, तो वो लोग कैसे आ सकते हैं, जैसे आपका कोई यहाँ पर जानने वाला है, जैसे आपका कोई दोस्त है या कोई आपका भाई है, तो आप उससे बोलकर आजाद वीजा निकलवा सकते हो, यानी कंपनी में जाकर पैसा भर के आप निकलवा सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ऑफिस से बात करके निकलवा सकते हो। यहाँ पर बहुत सी कंपनी है, लिमोजिन जैसे कंपनी यहाँ पर हैं, जो आपको अपनी कंपनी में लेकर आपको फ्री छोड़ देते हैं और आपसे 3 हज़ार रियाल साल का लेते हैं, 2.5 हज़ार रियाल लेते हैं, 3.5 हज़ार रियाल लेते हैं, जिस तरीके से आपका काम होता है या तो जिस तरीके से आप इस्तीफा कर लेते हो उस हिसाब से यहाँ पर पैसा लेते हैं। तो जो भी बंदा बाहर से आने वाला है वो डायरेक्ट नेट से नंबर निकाल के बात भी कर सकता है, या आपका कोई दोस्त है या तो आपका कोई जानने वाला है तो उससे भी वीजा ले सकते हो, या कोई आपके करीब में कोई ऑफिस है तो आप उससे भी वीजा ले सकते हो और आकर यहाँ पर काम कर सकते हो। पर यहाँ पर लेते हो, यहाँ पर आप हो कतर के अंदर और तनाजुल लेते हो तो 2.5-3 हज़ार रियाल में 3.5 हज़ार, इस तरीके से यहाँ पर काम होता है, वीजे काम इस तरीके से होता है। जो लोग आजाद आना चाहते हैं, जो फ्री आना चाहते हैं, या जो लोग तनाजुल करवाना चाहते हैं आजाद में या फ्री में, तो वो लोग इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। और मैं खुद एक अभी तनाजुल लेने वाला हूँ, हो सकता है कि 15 दिन में या तो 10 दिन के अंदर हो सकता है कि मैं ले लूँगा, 1 तारीख तक तनाजुल ले लूँगा बाहर कंपनी में या कोई दूसरी कंपनी में जाकर। तो मैं आपको बताऊँगा कितना मेरा कितना खर्चा लगा, या तो मेरा कितना पैसा लगा बाहर फ्री वीजा में काम करने के लिए, या तो कितना खर्चा आया रूम के लिए, रूम का और साथ में रूम का खर्चा और वीजा तनाजुल होने में कितना खर्चा आया, तो पूरी डिटेल में जब मैं अपना कराऊंगा उस टाइम मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि हाँ मेरा इतना खर्चा लगा है। तो जो लोग आजाद में या फ्री वीजा में काम करना चाहते हैं तो भाई इस तरीके से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी हैं और बड़ी बड़ी ऑफिस हैं, और आपसे पैसा लेंगे, अपने कंपनी के नाम पर आईडी बना के दे देंगे और अपनी कंपनी के नाम से पेपर बना के दे देंगे, आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, कहीं पर भी कोई भी काम कर सकते हो। तो ये सब यहाँ पे प्रोसेस होता है और खर्चा भी अच्छा खासा खर्चा जाता है। अगर कोई आपको सपोर्ट करता है यहाँ पर तो आप तनाजुल ले सकते हो और आप जाकर आराम से काम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से काम आप यहाँ पर कर सकते हो और 8-9 हज़ार रियाल 10 हज़ार रियाल महीना भी कमा सकते हो, और नहीं भी कमा सकते हो, 1000 रियाल भी नहीं कमा सकते हो, तो आपके ऊपर है, सिटिंग के ऊपर, आपका काम सिटिंग हो गया तो भाई अच्छा खासा इनकम होगा आपका, और नहीं सिटिंग हुई तो भाई आप इनकम नहीं कर पाओगे, और सिटिंग है तभी आप लोग ये सब काम में जाइए, अगर सिटिंग नहीं है तो आप लोग ना जाइए, बेहतर है कंपनी
के अंदर काम करिए, अगर कंपनी में आए हो तो कंपनी में काम करिए, अगर दुकान में आए हो जॉब करने तो दुकान में काम करें, अगर आप आए हो हाउस ड्राइवर में या हाउस वर्कर में आए तो हाउस वर्कर का काम करिए। क्योंकि भाई मगजमारी तो हर चीज़ में जब तक आगे आप कदम नहीं बढ़ाओगे, जब तक सक्सेस नहीं होगी, जब तक रिस्क नहीं उठाओगे, जब तक आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक बार रिस्क करके देखो, हो सकता है आपकी लाइफ में फ़ायदा हो जाए, हो सकता है आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ ख़राब भी हो जाए, आपकी लाइफ उससे भी ख़राब हो जाए, और हो सकता है कि उससे भी पहले से अच्छी लाइफ हो जाए आपकी। तो भाई ये छोटी जानकारी आप लोग के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।